तो क्या हाल है भाई लोगों? टोटल चार एजेस आती है, तो यानी कि 1/4 × 4 यानी कि 1। तो बेबी हाँ, तो भाई लोगों आज हम ऐसे ही स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पढ़ाई हो या ना हो पर तेल चटाई जरूर होता है। अब्बा मुझे फिर से स्कूल जाना है, अब्बा प्लीज प्लीज मेरी पढ़ाई नहीं हुई है ढंग से, मुझे ट्रिग्नोमेट्री सीखना है। जहाँ एक तरफ निब्बा अपनी निब्बी के बालों से जुए निकाल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ निब्बा अपनी निब्बी की टूटी हुई चप्पल बना रहा है। बताओ देख रहे हो इन निब्बा निब्बियों की पढ़ाई, कोई जुए निकाल रहा है तो कोई चप्पलें बना रहा है। और भाई ये निब्बा निब्बी इतने पढ़ाकू होते हैं कि ये कोई भी क्लास मिस नहीं करते, फिर चाहे इन्हें लैब में ही क्यों ना एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़े। बताओ देख रहे हो कौन सी क्लास चल रही है। और भाई इतना क्लास लेने के बाद भी अगर कोई कमी रह जाए ना तो ये ग्रुप स्टडी कर लेते हैं। बताओ साला होमवर्क और क्लास वर्क एक साथ हो रहा है। साला एक हमारा टाइम था, अगर हम स्कूल में गलती से बाल बड़े कर लेना तो मॉर्निंग के असेंबली में सबके सामने खड़े करके हमारे बाल काट दिए जाते थे। देख लो भाई हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और साला आज देखो रोड में ही एक्स्ट्रा क्लास ले ली जाती है। है कि नहीं है, जितना स्टूडेंट है वो बताइए कोई पढ़ता है? सब लोग खाली छोड़ी बटाता है। साला काश हमारे टाइम में भी ऐसा ही होता है। तो भाई लोगों जितने लोग भी अपने स्कूल के दिन मिस कर रहे हैं ना तो वो सब्सक्राइब करो लेजी गेमर को और शेयर करो अपने स्कूल टाइम की बातें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाओ यार फटाफट लेजी गेमर को सब्सक्राइब करो। और भाई इतना एक्स्ट्रा क्लास और ट्यूशन लेने के बाद भी जब इनसे पूछा जाता है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तब देखो इनका जवाब। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि ये बताइए हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? रामदेव बाबा। क्या नाम है? रामदेव बाबा। वाह 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 कलम वाली भाई। बताओ देख रहे हो बाबा रामदेव। अरे मैडम कम से कम मोदी जी ही बोल देते, हम तब भी मान लेते कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, पर आपने तो बाबा रामदेव को ही प्रधानमंत्री बना दिया। और भाई गलती इनकी नहीं है, गलती इनके निब्बे की है। जब भाई पढ़ाई लिखाई करने के टाइम में निब्बियों के बालों से निब्बे जुए निकालते हैं। अबे भाई जब जुए ही निकालना था तो झाड़ी में जाने की क्या जरूरत थी? मतलब सच में भाई निब्बा निब्बी को झाड़ी में लेके भी गया तो सिर्फ जुए निकालने के लिए। सच में भाई कैसे कैसे निब्बे हैं यार। नहीं मतलब जुए ही निकालना था तो बाहर ही निकाल लेता, झाड़ में जाने की क्या जरूरत थी भाई। सही बात है। और भाई अब ऐसा नहीं कि ये निब्बियां क्लास मिस कर रही हों या स्कूल नहीं जाना चाहती हैं, नहीं स्कूल जाने के लिए तो ये कहीं भी बैठने को तैयार हो जाती हैं, बस इन्हें स्कूल पहुंचा दो। बताओ देख रहे हो ये पीछे भी बैठ सकती थी लेकिन नहीं, आगे बैठ के अच्छे से पढ़ाई होती है ना, और वैसे भी सारे टॉपर आगे ही तो बैठते हैं। सच में भाई ये चितकबरी है कुछ भी कर सकती है। और भाई इतना आगे बैठ बैठ के पढ़ने के बाद भी इनका नॉलेज देखो। क्या पढ़ाई की है? हम तो पूरा पढ़ाई की है। क्या पढ़ाई की है? क्या क्या पढ़ाई की है जरा बताइए हमारे दर्शकों को। हम स्कूल से नहीं पढ़े, हम ट्यूशन से पढ़े। ट्यूशन से पढ़ी है तो भाई कुछ तो पढ़ी होंगी ना, क्या क्या का पेपर है आज? सोशल साइंस। सोशल साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स। नहीं नहीं
केमिस्ट्री। नहीं मैडम, तुम पहले कंफर्म कर लो, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी। मतलब ठीक है तुम एक्स्ट्रा क्लास लेते हो, तुम ट्यूशन पढ़ने जाती हो, पर इतना तो पता कर लो कि सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। और भाई आजकल के स्कूल में प्रपोज करना नहीं रहा, मानो पाद हो गए हो, कहीं भी कर दो, खेत में प्रपोज। रोड में प्रपोज। क्लास में प्रपोज। दिमाग में कुछ आ नहीं रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नहीं मतलब सच में भाई, कहाँ है ऐसा स्कूल, कोई हमें भी बता दो, हम भी दोबारा पढ़ लेंगे यार। क्या करे भाई, हम सिंगल लोंडे हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। लड़कियों ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी नंबर दिए सब बन दिए। तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों, आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं ऐसे स्कूल और ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो खाली छोड़ी बटाता है। हाँ, जहाँ पढ़ाई लिखाई हो या ना हो, लेकिन तेल चटाई जरूर होता है। जहाँ स्टूडेंट्स किसी का बहाना बनाकर टीचर का नंबर मांगते हैं। मैम, हमारे खान सर आपके लिए बेस्ट रहेंगे, आपका नंबर मांग रहे थे। आह, तुम लोग कितने स्मार्ट हो ना, खान सर नंबर मांग रहे थे, वाह। तू समझा? हाँ। नहीं। स्मार्टनेस की भी हद होती है लेकिन। और जब नंबर नहीं मिलता तो अपने ही टीचर को अपने पापा से शादी करने को बोलते हैं। ये कौन नालायक है क्लास में, बार बार स्पैम किए जा रहा है, मेरे पापा से शादी करेंगी, तुमको शर्म लिहाज है कि नहीं है सर? नहीं। बताओ, कॉन्फिडेंस देख रहे हो बच्चों का? और भाई ये वही बैक बेंचर्स होते हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के पीछे बैठ के जुबा केसरी करते हैं। क्या सोच है रे तेरी? अब इसे देख के कुछ लड़कियां बोलेंगी, लड़के तो होते ही ऐसे हैं, पर ना मुन्नी ना, बैक बेंचर सिर्फ लड़के नहीं होते, लड़कियां भी होती हैं। रुको जरा, सबर करो। बताओ, स्वैग देख रहे हो लड़की का, कमला पसंद खा के कैसे फूक मार रही है। नहीं साला, कहाँ का स्कूल है ये जो सब कुछ इतने चौड़े में चल रहा है। और साला एक हम थे जो प्रेयर में भी लॉलीपॉप छुपा छुपा के खाते थे। बताओ कितने इनोसेंट थे हम। तो भाई लोगों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, लेजी गेमर को सब्सक्राइब कर दो यार। वैसे तो नहीं करते हो, पर आज कर देना यार, तुम्हारे भाई को अच्छा लगेगा। तो भाई कुछ लड़कियां कहती हैं बैक बेंचर सिर्फ लड़के होते हैं। तो दीदी, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, घर बड़ा हो तो सुअर पाल लो, पर गलत फहमी मत पालो। क्या हुआ दीदी, अब बोलो ना कि बैक बेंचर सिर्फ लड़के होते हैं। और दीदी, इतना बड़ा फर्रा तो हम लड़के भी नहीं ले जाते, ऊपर से छुपा कहाँ रखा है, मास्क में। अरे क्या चीटर बनेगी रे तू। और भाई मुझे ये समझ नहीं आता, इन निब्बी निब्बाओं ने स्कूल को समझ क्या रखा है। मतलब भाई कोई फूल दे के प्रपोज कर रहा है। तो कोई गुब्बारा देके,
कोई अंगूठी देके प्रपोज कर रहा है। तो कोई चॉकलेट देके। बताओ साला ये सब चल क्या रहा है बे? नहीं भाई मैं सच बता रहा हूँ, अब वो दिन दूर नहीं जब ये निब्बा निब्बी एक दूसरे को थैलियों में अपने टट्टी पैक करके देंगे और बोलेंगे बाबू चख के बताना कैसा है। अच्छा। और भाई लोगों मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और हमारे टाइम में लास्ट डे ऑफ स्कूल वाला ऐसा कुछ बवासीर था ही नहीं। हम लास्ट डे स्कूल इसलिए जाते थे क्योंकि फ्री में समोसा पेलने को मिलता था, और वैसे भी हमारे स्कूल में ना अच्छी टीचर थी ना अच्छी लड़की, और भाई कुछ लड़कियों की शक्ल तो खुद ब्रेड पकौड़ा और समोसे सब मिलता था भाई। और आज देखो लास्ट डे ऑफ स्कूल। बताओ देख रहे हो इस बंदे को, ये साइन कर रहा है या सांप बना रहा है? नहीं मतलब ऐसा कौन सा डिजाइन बना रहा है जो ये चितकबरी इतना बिदक रही है? और नहीं भाई ये स्कूल कहाँ है यार, हम भी पढ़ लेंगे। और भाई सच बताओ ना तो अगर ऐसा करते हमारे टीचर देख लेना तो गुल्लक में डंडे डाल के मोर बना देंगे। बताओ साला एक हमारा टाइम था जब हमारे मैथ के टीचर कभी छुट्टी नहीं करते थे, आंधी आए तूफान आए चाहे धरती पलट जाए पर मैथ के टीचर ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तारे ने पसंद मैनू हेठा सारे राधे उना तारिया दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आऊगी ता पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली ए दिल तेरा जदों टुटूगा ता पता। बताओ साला हम सोचते थे बारिश बहुत हो रही है आज शायद सर नहीं आएंगे, और हमारे मैथ टीचर ले क्या करे भाई, हमारी तो किस्मत ही खराब है। कुछ भी हो पर पहले की टीचर की बात ही अलग थी, और साला आज देखो टीचर को फेयरवेल वाले दिन ऐसे विदा करते हैं जैसे बलि देने के लिए बकरे को। ये क्या है? बताओ ऐसा नहीं लग रहा कि कसाई आएगा और सीधा सर का बलि चढ़ा देगा? नहीं मतलब भाई ऐसे विदाई कौन देता है यार, और ऊपर से सर को देखो कैसे मस्त बैठे हैं यार। तो क्या हाल है भाई लोगों? बच्चे नहीं हो अब तुम, यही टाइम होता है पढ़ाई करने का, क्या करोगे टेंथ के बाद? ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो क्या बनेंगे हम इसे? हाँ बड़ा हो जाएंगे तो काम करेंगे, अपना घर बसाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बीवी रखेंगे, क्या करेंगे, दो तीन का बच्चा होगा। अच्छा। हाँ तो भाई लोगों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्कूल के बारे में जो स्कूल स्कूल नहीं रहा, शादी का मंडप बन गया है, जहाँ के बच्चों के बैग में कॉपी किताब हो या ना हो पर गले का मंगलसूत्र और सिंदूर की पुड़िया जरूर मिलेगा। एक चाल चलने लगे जब एक बस कर रुलाएगा क्या? जहां एक तरफ निब्बा निब्बी से फेरे लेते फिर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ निब्बी अपने सर से मजे लेते फिर रही है। दुनिया में कोई गम ना हो, आपकी खुशियां कभी कम ना हो, भगवान आपको ऐसी आइटम दे जो कभी होनी से कम ना हो। देख रहे हो भाई लोगों ये निब्बी अपने सर को ऐसी आइटम दिला रही है जो सनी लियोन से कम ना हो, और साला एक हम है जो सनी लियोन तो बहुत दूर की बात है, अगर गलती से सनी देओल का भी नाम ले लिया ना तो हमारे गुरुजी गदर का हैंडपंप उखाड़ के पेलने को तैयार बैठे होते हैं। देख रहे हो विनोद सारी छूट बाबू लोगों को ही होता है, और भाई यही वजह है कि निब्बे ना आओ देखते हैं ना ताओ छूटते के साथ मांग भर देते हैं। और भाई निब्बाओं के मांग भरने के दहशत से ये माहौल हो चुका है कि निब्बी भागी भागी फिर रही है और ये बोलती फिर रही है भागो नहीं तो निब्बा मांग भर देगा। बहुत अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ
ना उदास हूँ, ना खुश हूँ, ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। म्यूजिक और जैसे ही निब्बा निब्बी की मांग भरता है निब्बा निब्बी से, फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। तो भाई लोगों, इससे पहले कि निब्बी निब्बा का कबू चीट कबू पट हो, अपने भाई के गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाओ यार फटाफट लेजी गेमर को सब्सक्राइब करो और अपना सपोर्ट दिखाओ। तो भाई लोगों, आपको पता ही है आजकल स्कूल में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, खाली छोरी पटाता है। हाँ, इसलिए एक पीरियड छोरी पटाने का भी होता है। देख रहे हो कौन सा क्लास चल रहा है? नहीं मतलब सही में यार, कहाँ का स्कूल है ये? और साले एक हमारा स्कूल था जहाँ लड़की के नाम पे दाढ़ी मूछ वाले भाई साहब हुआ करते थे। और इतना ही नहीं भाई, इन निब्बी निब्बाओं का क्लास के बाद प्रैक्टिकल भी होता है। बात समझ लो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बताओ, देख रहे हो अपने सब्जेक्ट में दोनों पास हो गए? नहीं मतलब सच में भाई, अब स्कूल स्कूल नहीं रहा, शादी का मंडप बन गया है और वहाँ के अध्यापक पंडित बन गए हैं जो इन निब्बी निब्बाओं की शादी करा रहे हैं। नहीं सच में भाई, हमारे टीचर तो इतने खतरनाक थे, अगर स्कूल के एनुअल फंक्शन में दोस्त डांस कर रहा हो और हम गलती से 10 का नोट उड़ा देना तो गुरुजी लड़की के आगे पेल देते थे। बताओ, देख रहे हो भाई को गुरुजी ने ऐसे पेल दिया मानो भाई ने नचने के ऊपर पूरी प्रॉपर्टी उड़ा दी हो। मतलब भाई पिला तो अलग से, साथ में लड़की के आगे बेइज्जती हुई सो अलग। अब भाई हम भी क्या करें, आजकल स्कूल में यही सब चल रहा है। और एक हमारा टाइम था, हम स्कूल ही इसलिए जाते थे ताकि मास्टर हमें छेद सके, और तब भी मास्टर का पेट नहीं भरता ना तो घर आके पापा से छिदवा देता। और आजकल के बच्चों को देखो, टीचर के साथ ऐसे मस्ती करते हैं जैसे टीचर टीचर नहीं उनकी क्रश हो। हरामी हो। बताओ, देख रहे हो इस बच्चे को भाई, इतना सारा स्प्रे अगर मैं अपनी जीएफ को कर देता ना तो छाती पे चढ़ के दहकोनी और दहकोनी मारती, ब्रेकअप करती सो अलग। और इस बच्चे को देखो, वो तो अच्छा हुआ दूसरी टीचर ने रोक दिया, नहीं तो भाई बोतल खाली करे बिना छाती नहीं भरता। मतलब सच में भाई, जहां बाकी बच्चे अपने अपने टीचर के साथ ऐसे डांस करते फिर रहे हैं, वही हम अखंड सिंगल लोंडे। हम शपथ लेते हैं कि जितनी लड़कियां मिलेंगी, सबको पटाएंगे, सीनियर हो जूनियर हो, सब हमारी रहेंगी, हमारे सिवा किसी की नहीं। पर सच तो ये है, वो सबकी होगी सिवाय हमारी नहीं। तो बस भाई लोगों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही फॉलो करें झटपट ज्ञान के इंस्टा हैंडल को। और हाँ यार, थोड़ा सा सपोर्ट लेजी गेमर को भी दिखा दे, 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, प्लीज जल्दी से करा दे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाओ यार फटाफट लेजी गेमर को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।